इसराइल हमास युद्ध के बीच उत्तरी इसराइल पर हिजबुल्ला के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हिजबुल्ला बार बार इसराइल को रॉकेट, ड्रोन और मिसाइल हमलों से दहला रहा है। इसके साथ ही लेबनान का ये संगठन इसराइल को लगातार अपनी क्षमता का भी एहसास करा रहा है और एक बार फिर से हिजबुल्ला ने इसराइल को एक तगड़ा झटका दिया है। दरअसल 21 अप्रैल 2024 की रात करीब 10:50 पर हिजबुल्ला ने दक्षिणी लेबनान के अल आइशिया में इसराइल के एक ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। वहीं इजरायली सेना के प्रवक्ता ने भी लेबनान के आसमान में आईडीएफ के ड्रोन को मार गिराए जाने की बात मानी है। आईडीएफ के प्रवक्ता का कहना है कि इस ड्रोन को जमीन से हवा में वार करने वाली मिसाइल से मार गिराया गया है। इसराइल के मारीव न्यूज़पेपर ने भी इस बात की पुष्टि की है। इजरायली न्यूज़पेपर ने यह भी खुलासा किया है कि अब इस ड्रोन को गिराए जाने को लेकर जांच बैठा दी गई है। न्यूज़पेपर का कहना है कि हिजबुल्ला ने जिस ड्रोन को गिराया है वो युद्ध की शुरुआत से इसराइल का अब तक का पांचवा ड्रोन है जिसे हिजबुल्ला ने निशाना बनाया है। इसराइल के ड्रोन पर हमले के अलावा हिजबुल्ला का ये भी कहना है कि उसने मेतुला में इजरायली सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जा रही दो बिल्डिंग्स को भी उड़ा दिया है। वहीं लेबनानी मीडिया हाउस अल मयादीन ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि हिजबुल्ला ने जिस ड्रोन को मार गिराया है वो इजरायली सेना का हरमीज 450 ड्रोन था और इस ड्रोन को मार गिराने का हिजबुल्ला ने एक वीडियो भी जारी किया है। आपको बता दें कि इससे पहले फरवरी 2024 को हिजबुल्ला ने आईडीएफ का हरमीज 450 ड्रोन मार गिराया था और इसके बाद अप्रैल 2024 की शुरुआत में हिजबुल्ला ने हरमीज 900 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया था। लेकिन हरमीज 450 इकलौता ऐसा ड्रोन है जो लगातार दक्षिणी लेबनान के आसमान में उड़ान भरता रहता है और इसकी खासियत है कि ये मीडियम साइज का ड्रोन है जिसे लंबी दूरी के मिशन के लिए बनाया गया है। ये हवा में 20 घंटे तक उड़ान भरता हुआ 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। ये ड्रोन प्रमुख रूप से टोही, सर्विलांस और संचार पर आधारित है। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रासेंसर, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर लगाया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये उड़ान भरने और जमीन पर उतरने के लिए ऑटो पायलट से लैस है और साथ ही इस ड्रोन का इस्तेमाल हवा में टारगेट्स को इंटरसेप्ट करने के लिए भी किया जाता है। इसराइल के इस ड्रोन की कीमत करीब $2 मिलियन है। वहीं अगर हरमीज 900 की बात की जाए तो ये भी एक मीडियम साइज का ड्रोन है जो मध्यम ऊंचाई पर कई तरह के पेलोड्स को ले जाने में सक्षम है। यह हरमीज 450 का अपग्रेडेड वर्जन है। यह हवा में लगातार 30 घंटों तक उड़ान भर सकता है और ये 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसका इस्तेमाल भी टोही, सर्वेलांस और संचार में किया जाता है। ये ड्रोन 300 किलो तक का पेलोड ले जा सकता है और इसके पंखों की चौड़ाई 15 मीटर है। लेकिन इसराइल के इन ताकतवर ड्रोन्स के हमलों का जवाब हिजबुल्ला भी दे रहा है। हाल ही में हिजबुल्ला ने शुमेरा सेटलमेंट्स में एक बिल्डिंग पर हमला किया है। इसके अलावा हिजबुल्ला ने दोवेव बैरिक्स के आसपास आईडीएफ द्वारा हाल ही में लगाए गए सर्विलांस उपकरणों को भी एक हमले में उड़ा दिया है। हिजबुल्ला का कहना है कि सुबह करीब 10:20 पर जल अल अलम साइट पर उसने हैवी बुरकन रॉकेट्स दागे थे जो इजरायली सैनिकों के जमावड़े पर जाकर लगे थे।